वॉट इज What is electric charge and how many types of charge we have? Then what is electric current? How the current is produced? And to produce current, what we want, I mean, the concept of potential difference, right? So today, we will first start with charge. You can say charge, yeah, you can say electric charge. So can anybody tell me what is electric charge? Koi bata sakte hai bachcha, electric charge kya hota hai? Anybody can answer? Koi bhi bol sakta hai ki aapka charge ka bare mein basic idea kya hai? Kyunki definitely aapne ye to padha hi hoga, charge ek fundamental property hai kisi matter ka, right? जैसा मास होता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट, एलिमेंट छोटा होने दो बड़ा होने दो, उसका एक डेफिनेट मास होता है, वैसे ही मास होता है तो डेफिनेटली उसका एक चार्ज होता है. सो इसके लिए मैंने बोला कि चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट? सो याद रखना, ये जो चार्ज है, इट इज ए फंडामेंटल फंडामेंटल property of matter. It's a fundamental property of a matter. अब ये fundamental properties है, obviously जैसा mass से हम लोग को gravity का concept आता है, या Newton force of attraction, क्योंकि हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही चार्ज ऑन बॉडी का वजह से दो लाइक चार्जेस रिपल करता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है, राइट? ये कॉन्सेप्ट आता है. सो बेसिकली चार्ज, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर. अब ये प्रॉपर्टी का वजह से क्या करेगा बच्चा, ये एक तो एक फील्ड आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ये चार्ज का अराउंड एक रीजन होगा, जो रीजन में किसी दूसरा चार्ज आया उसको एक तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा. फॉर एग्जांपल, मान लो एक इलेक्ट्रॉन, राइट? सो दिस इज इलेक्ट्रॉन. सो अभी मैं इलेक्ट्रॉन का विसिनिटी पे या रीजन पे मैंने एक इधर प्रोटॉन रखा बहुत दूर, तो ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन को कुछ नहीं करता है. जैसे जैसे प्रोटॉन को मैं नजदीक लेके आया, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रॉन ए प्रोटॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस का अंदर आ गया है प्रोटॉन, पहले तो बाहर था, राइट? सेम थिंग विल हैपन इफ आई ब्रिंग इट फ्रॉम अपवर्ड्स, मतलब ऊपर से नीचे लेके आ तो वही होगा, इधर रखते इधर लेके आते यू नो आते प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा. ये साइड से भी लेके आएगा तो ऑब्वियसली यही होगा, एक पर्टिकुलर जगह इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करेगा. जब आप थ्री डायमेंशनली सोचेंगे तो आपको एक स्पीयर मिलेगा, राइट? ये स्पीयर के अंदर कोई चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है. तो ये जो स्पीयर या ये जो रीजन है जिधर इलेक्ट्रॉन दूसरा चार्ज को अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. सो वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो चार्ज है तो ये क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए. मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में दूसरा चार्ज आया तो एक तो अट्रैक्ट करेगा नहीं तो रिपल करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोटॉन लिया तो अट्रैक्ट करेगा, तो आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा, राइट? तो ये प्रॉपर्टी का वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तो प्रोड्यूस करेगा नहीं तो एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, जो प्रोटॉन था ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया बच्चा, एक्सपीरियंस किया, राइट? So it is a fundamental property of a matter by virtue of it. By virtue of it, it will produce, yeah, by virtue of which it produces or experiences electric field.
एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना चाहिए बच्चा, एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो इसको ही हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कॉल्ड एज चार्ज। सो इधर एक चार्ज है मान लो, सो लेट इट बी क्यू, राइट, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका अराउंड एक स्पीयर रहेगा, ये स्पीयर का अंदर मैंने किसी दूसरा चार्ज को रखा, तो ऑब्वियसली मैंने इधर एक चार्ज रखा, समझ लो इट इज माइनस क्यू, राइट, तो ये रीजन का अंदर है तो ऑब्वियसली प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, इधर मैंने एक चार्ज रखा दैट इज प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो ऑब्वियसली रिपल होगा, राइट। अभी क्या हुआ, ये जो है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया बच्चा, प्रोड्यूस किया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज है, तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया तो ये चार्ज है। ये दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया, जिसका वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, रिपल हो रहे हैं, तो ये भी चार्ज है, राइट। तो एक तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करो, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करो, तो आपको हम लोग बोलेंगे चार्ज। अच्छा, इज इट क्लियर अप टू दिस पंच? यस 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 सर। मतलब अभी मैं बोलूंगा मैं एक चार्ज है, तो आप देखेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे कि नहीं, कर रहे हैं तो चार्ज है, नहीं तो देखेंगे कि सर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड में सर को रखा तो सर अट्रैक्ट होएंगे या रिपल होएंगे, कुछ होता है तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो मतलब एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करो, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करो, तो आप उसको बोलेंगे चार्ज, राइट। अभी सवाल आता है, क्योंकि इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो मैं क्या दूंगा आपको, देखो इधर आपने लोअर स्टैंडर्ड में यू नो ये एक्सपेरिमेंट तो सुना ही होगा, सो कंसिडर ए कोम, तो ऑब्वियसली कोम का शेप ऐसा ही रहता है, मान लो कि एक कोम है, उसको मैंने हमारा हेयर जो है ड्राई हेयर से रब किया, एंड इसका इधर मैंने स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर रख दिया, सो दिस इज पेपर पीसेस, राइट। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो कोम पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है जब हम लोग उसको रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सो ऑब्वियसली उसमें एक इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी आ जाता है, जैसा कि हम लोग पेपर पीसेस पे उसको रखते हैं तो पेपर पीसेस है ना, उसमें प्लस माइनस चार्ज होता है, सो बिकॉज ऑफ दिस इधर क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन पेपर पीसेस पे चला जाएगा कोम पे, तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एंड दिस कोम विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, एंड पेपर पीसेस में इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो कोम का पास चार्ज नेगेटिव है, पेपर पीसेस में चार्ज क्या बच्चा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा कि बच्चा रिपेल होगा, ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम लोग ने ये पढ़ा है लाइक चार्जेस रिपल करता है, अनलाइक चार्जेस ऑफकोर्स अट्रैक्ट करता है, सो दैट इज व्हाई दिस कोम विल अट्रैक्ट पेपर पीसेस, दिस इज द रीजन, राइट। तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ऑब्वियसली एक होगा पॉजिटिव चार्ज, अभी किसी को आप पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे तो ऑब्वियसली उसके पास क्या होना चाहिए बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स कम होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज किसको बोलेंगे, जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो उसको आप लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे या पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अभी पेपर पीसेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पेपर पीसेस में चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो मैं ये बोल सकता हूं बॉडी, आप बॉडी भी लिख सकते हो या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू, बॉडी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी लूजिंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज,
पॉजिटिवली चार्ज. अदरवाइज ये भी ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो कि एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड ये आपने पढ़ा है, देन सिल्क क्लॉथ है. सो जब मैं दोनों को रब करता हूं तो ऑब्वियसली ग्लास रॉड क्या करता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स को सिल्क क्लॉथ में दे देता है, राइट. सो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से जाता है सिल्क क्लॉथ, तो अल्टीमेटली ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो इट विल बिकम पॉजिटिव. सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, सो दिस विल बिकम व्हाट, नेगेटिव, राइट. ये ऑब्वियसली आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा ही होगा, राइट. सो ग्लास रॉड इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज. And silk cloth is gaining electrons, so definitely it is going to have negative charge, right? So, आपके पास electron ज़्यादा है, तो आप negative charge हो. तो आपके पास electron कम है, तो आप definitely positive charge है. So, next type of charge obviously negative charge होगा. Negative charge. तो negative charge आप कब बोलेंगे? Body gaining electrons या electron becomes obviously negatively charged. या इधर ऐसा भी लिख सकता हूं, number of electrons number of protons से, number of protons number of electrons से ज्यादा है तो obviously ये होगा positive charge. इसका बात करेंगे हम लोग, कितना charge होता है, all these things. या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, सो ऑब्वियसली दिस विल बिकम नेगेटिव चार्ज. तो इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो एक एबोनाइट रॉड लो, एबोनाइट. सो इसका सामने रखो फर, सो वी प्लेस फर. अभी उल्टा होता है बच्चे, जब इसको रब करते हैं तो क्या होगा, फर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है एबोनाइट रॉड, राइट. तो एबोनाइट रॉड नेगेटिव बनता है, फर ऑब्वियसली पॉजिटिव बनता है, राइट. ग्लास रॉड में, ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है एंड फर और एबोनॉइड्स है, ऑब्वियसली फर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, राइट. तो आपका एबोनॉइड रॉड बनेगा नेगेटिव चार्ज एंड आपका फर बनेगा पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, क्लियर अप टू दिस पंच? यस यस सर. सर हाँ बोलिए सर. रब करने से ऐसा क्या होता है कि चार्जेस ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है? देखो, रब करने से क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट आता है, आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन. पढ़ा है आपने? यस सर. तो ये रब करने से फ्रिक्शन का वजह से क्या होता है बच्चा, अभी दो ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होगा एंड एक एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली बाउंड होगा. तो जो स्ट्रॉन्गली बाउंड है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करेगा, जो वीकली बाउंड है वो जल्दी दे देगा इलेक्ट्रॉन्स को. सो व्हेन यू रब, सो ग्लास और सिल्क क्लॉथ का बात करूंगा तो सिल्क क्लॉथ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्रॉन्गली बाउंड है, ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड है. सो व्हेन यू रब, बता किसका टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने का, ग्लास का कि सिल्क का? बच्चा ग्लास का कि सिल्क का? क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि ग्लास में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड है एंड सिल्क में स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है. समझ रहा ना, बॉन्ड मतलब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा है सिल्क में एंड इधर अट्रैक्शन कम है. तो व्हेन यू रब ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ, हु विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स बच्चा? ग्लास रॉड. तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करेगा, तो जो एक्सेप्ट करेगा वो बनेगा नेगेटिवली चार्ज. जो लॉस, यू नो, जिसका इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आएगा तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. इसके लिए हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ये जो प्रोसेस है इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, नहीं तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे. तो ये तो टर्म सुना होगा आपने, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. यस सर. यस, क्योंकि चार्ज कोम से, आई मीन इधर से इधर जाके रुक जाता है, वो मूव नहीं होता है. So, इसके लिए उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं. सो ऑल दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. आई रिपीट, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. बट इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. ओके
ओके फाइन, फटाफट इसको नोट डाउन करो अपना वर्ड्स में, फटाफट नोट डाउन करो सर. व्हाट इज एबोनाइट? एबोनाइट रॉड बच्चा एक टाइप ऑफ रॉड ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा लूजली ये रहेगा, मतलब स्ट्रॉन्गली बाउंड रहेगा क्योंकि फर्म में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा. आपने लोअर स्टैंड में डेफिनेटली पढ़ा होगा एबोनाइट करके, मतलब ग्लास रॉड क्या होता है हार्ड होता है ना, एबोनाइट सॉफ्ट होता है. अच्छा इज इट क्लियर? यस सर. ओके, मतलब इतना मान लो कि सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली बाउंड है, फर्म में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, अदरवाइज ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स वीकली बाउंड है, एबोनाइट रॉड में इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है, लाइक दैट. ओके. बच्चा फिनिश? यस सर. यस सर. ओके फाइन. सो चलो हम लोग को ये पता चला गया कि चार्ज क्या होता है और कितना टाइप ऑफ चार्ज होता है. तो अभी हम लोग देखेंगे चार्ज किसका वजह से आता है, क्योंकि हम लोग बोला कि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज. देन अभी उसका बारे में डिस्कस करें. सो अभी हर एक सब्सटेंस हम लोग को पता है, हर एक सब्सटेंस, इफ यू टेक एनी सब्सटेंस वी ऑल नो इट इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल एंटिटी दैट इज यू नो स्मॉल एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एटम, राइट?
सो ऑब्वियसली एटम जो है तीन चीज से बनता है. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर द टर्म दैट इज PEN, दैट इज पेन. P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, ऑफकोर्स N फॉर न्यूट्रॉन, राइट. सो बच्चा सब्सटेंस एटम से बनता है. एटम किससे बनता है बच्चा? पेन से बनता है. एग्जाम में मत लिखना, बट हाउ टू रिमेंबर पेन, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन. अभी बच्चे पहला बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है लाइट इन वेट है. सो इट इज गोइंग टू हैव इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स. सो ये लाइट इन वेट है. सो इट इज गोइंग टू रेवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ओन एटॉमिक ऑर्बिट. मतलब ये एटम में क्या होगा? न्यूक्लियस का अराउंड, क्योंकि नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन आने के बाद इधर सो डेफिनेटली आता है न्यूक्लियस. अब ये न्यूक्लियस स्मॉल है, राइट. स्मॉल तो है एंड इट इज डेंस. तो न्यूक्लियस डेंस है तो ये सेंटर में रहेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स लाइट इन वेट है तो ये न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहेगा इन इट्स ओन एटॉमिक ऑर्बिट. अभी न्यूक्लियस जो है ऑब्वियसली न्यूक्लियन से बनता है, न्यूक्लियॉन्स, राइट. अभी न्यूक्लियॉन्स में दो टाइप है. सो यू आर गोइंग टू हैव टू टाइप्स. सो ऑब्वियसली एक होगा That is protons and the next होता है neutrons. एक क्या होता है बच्चा? Protons and दूसरा होता है neutrons. Is it okay? Is it okay बच्चा? Yes, sir. अभी बच्चे proton, electron ये जो है, neutron जो है, they are all basic charges. मतलब एक सब्सटेंस के ऊपर चार्ज इनका वजह से ही आता है. पहला बात करेंगे प्रोटॉन का. याद रखना प्रोटॉन जो है इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज. एंड कोई पूछेगा सर इसका चार्ज क्या है, देन क्यू इज इक्वल टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6, आप चाहे तो प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है, इंटू 10^-19 कूलम. अच्छा कितना है? Q is equal to plus 1.6 into 10^-19 कूलम है. एंड ऑब्वियसली चार्ज है तो मास भी रहेगा. तो मास ऑफ प्रोटॉन आप चाहे तो इधर एम पी लिखो, इधर क्यू पी लिखो, तो आपको समझ में आया कि ये प्रोटॉन का बात हो रहा है. तो मास इज अराउंड 1.67 into 10^-27 kg. ये उसका मास है प्रोटॉन का, -27 kg, राइट. सो आई विल राइट 1.67. इफ यू वांट उसका एग्जैक्ट चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज 1.6725 इंटू 10^-27 kg. ये उसका मास है, राइट. बच्चा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चार्ज 1.6 इंटू 10^-19 कूलम है एंड मास 1.67. यूजुअली इतना ही लिखते हैं हम लोग, 67, बट एग्जैक्ट चाहिए तो 6725 इंटू 10^-27 kg. आई होप ये समझ में आया है. अभी न्यूट्रॉन ऑब्वियसली सबको पता है दे आर न्यूट्रल इन नेचर, ये न्यूट्रल रहता है. सो या न्यूट्रल चार्ज बोल सकता हूं इसको ऊपर. एंड चार्ज न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली क्यू एन का वैल्यू जीरो होगा. Even though they are neutral, they have got mass. Mass proton का equivalent लेते हैं, but proton से थोड़ा ज्यादा याद रखना. So it is 1.67, इधर 25 है, तो इधर 4 नहीं आता है. तो आप समझ सकते हैं कि 1.67 तो common है, उधर 25 इधर 4 नहीं है. तो neutron का जो mass, obviously proton से थोड़ा ज्यादा है, but आप चाहिए तो दोनों का mass equivalent ले सकते हो. That is -27 kg. बच्चे इज इट क्लियर इधर तक? यस सर. ओके यस सर. तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ऑब्वियसली यू नो दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. एंड एज पर एज
चार्ज इज कंसर्न दैट इज क्यू ई, याद रखना इट इज माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, बट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन मैग्नीट्यूड में सेम है, खाली नेचर एक का पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो इधर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो आई रिपीट, दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, खाली नेचर ऑपोजिट है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली, ये जो प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मास आता है 9.11 × 10⁻³¹ केजी। तो आप समझ सकते हैं इधर −31 है, इधर −27 है, तो इलेक्ट्रॉन का मास, मतलब कंपैरिजन में लिखना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वलेंट टू, या मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वलेंट टू 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कितना स्मॉल होगा विद रिस्पेक्ट टू मास। अच्छा, इज इट क्लियर? 2000 टाइम्स कम, तो इसके लिए मैंने बोला न्यूक्लियस डेंस है, क्योंकि हर एक प्रोटॉन का मास 2000 टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, राइट? इसके लिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स लाइट इन वेट है। अच्छा, क्लियर अप टू दिस पंच? अभी बच्चा ये, चलो ये तो पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आपने ये तो पढ़ा है, हर एक एटम का पास जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन्स रहता है बच्चा, ये तो पढ़ा है ना, जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, राइट? हर एक एटम में क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, राइट? यस सर। ठीक है, चलो अभी बात करेंगे इधर। अच्छा सुनो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स का चार्ज जीरो है, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस का चार्ज बच्चा क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, है ना? यस सर। ओके, तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव हो गया। अभी न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, सो अल्टीमेटली एटम का चार्ज क्या होगा बच्चा, क्या होगा एटम का चार्ज? कम ऑन, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो हर एक एटम का चार्ज क्या होगा बच्चा, जीरो होगा। आई मीन बिकॉज ऑफ दिस, यू नो, एटम या चार्ज ऑन एटम विल बी व्हाट, न्यूट्रल, सो ऑल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है बच्चा, सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, सेम। इज इट ओके? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, तो आई कैन राइट एवरी एटम इज न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर, तो हर एक एटम न्यूट्रल रहेगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। तो जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, राइट, जितना इलेक्ट्रॉन्स हो उतना ही प्रोटॉन है, सो हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो ऑब्वियसली एटम में प्रोटॉन्स बढ़ जाएगा, बच्चा समझ में आ रहा है ना? आई मीन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मेक्स एटम नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। अभी तो समझ में आया आपको क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव आता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली ज्यादा है प्रोटॉन्स, या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, एटम मेक्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम मेक्स एटम ऑफकोर्स पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी कम होगा कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। बच्चा समझा, मतलब
एक्चुअली एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यू नो पॉजिटिवली चार्ज होगा, आप उस पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑब्वियसली इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, राइट। इलेक्ट्रॉन्स ले निकाल देंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एंड उसको एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दिया सिस्टम को, सो ऑब्वियसली इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। इज इट ओके बच्चा, सबको समझ में आया? Yes, sir. मतलब ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है एक एटम का। अभी बात करेंगे चार्ज का, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी का बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने एज यूजुअल मैंने बता दिया है, सो प्रॉपर्टीज का बात करूंगा तो फर्स्ट वन लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, वो तो आपको पता है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको पता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चा ये भी पता है? यस सर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ये है, यस दैट थर्ड प्रॉपर्टी ये है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी बॉडी पे, मतलब चार्ज जो है, मतलब आपको स्टेटमेंट याद रहेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, चार्ज को आप ना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट आप एक बॉडी से दूसरा बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बराबर है ना? यस सर। मतलब बच्चा अभी क्या करेंगे, आप ये सब लिखेंगे एंड लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसा हम लोग ने ग्लास रॉड से सिल्क क्लोथ या फर से क्या बोलते हैं उसका नाम एबोनाइट रॉड, हम लोग ने ट्रांसफर किया, तो हम लोग ने किसी चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया, हम लोग जो चार्ज था उसको खाली पास ऑन कर दिया, राइट? राइट बच्चा? यस सर। ओके फाइन, कंप्लीट कर लो बच्चा, यू कंप्लीट दिस। Yes, sir. Okay, fine. So, इधर में excess of electrons makes atom negatively charged. Deficiency of electrons makes atom positively charged. ये जो charge का values है, mass का values है, वो सब आपको याद रहना चाहिए।
बच्चों फिनिश्ड? नो सर। नो सर। ओके ओके सर। सर वो लास्ट स्टेटमेंट रिपीट करो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। अच्छा देखो बच्चा, जैसा आप एनर्जी का बोलते हो ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, क्योंकि एनर्जी जो है ना एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं हम लोग, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब एनर्जी में फॉर्म चेंज हो सकता है। अभी क्या करना है आपको, काली जिधर एनर्जी उधर चार्ज बोलना है, ठीक है? तो क्या स्टेटमेंट बनेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बस बच्चा दिव्या समझा आपको? यस सर समझा। ओके So I hope it is done. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। चलो हम लोग ने ये सीख लिया था कि हर एक एटम न्यूट्रल होता है, बट एटम से अपने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो पॉजिटिवली चार्ज हो, एंड इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑब्वियसली वो नेगेटिवली चार्ज हो। तो आप एटम का बदले में सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव बनेगा एंड दिया तो नेगेटिव बनेगा। सो जैसा मैंने बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but it can be transferred from one body to another body। ये statement ये याद नहीं आया तो आप ये भी लिख सकते हैं कि in an isolated system इन एन आइसोलेटेड सिस्टम भी बोल सकते हैं या इन यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। इन यूनिवर्स टोटल नंबर ऑफ चार्ज विल रिमेन कॉन्स्टेंट या विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट।
always remain constant. बच्चा बराबर है ना, यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ना आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या है बच्चा, एक सिस्टम जिधर चार्ज ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है. तो इसका मतलब वो सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज है ऑब्वियसली जितना चार्ज है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो रिएक्शन होगा प्रोडक्ट बनेगा, तो जितना रिएक्टेंट के पास चार्ज होगा उतना ही चार्ज प्रोडक्ट का पास रहेगा. बराबर है ना बच्चा? बच्चा अभी थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस मान के लिए यू नो क्या है वो देखते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है, ठीक से देखो इधर, ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है. तो हमको पता है कि जब रब किया तो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जाता है. तो सपोज मैंने स्लोली रब किया तो अज्यूम करो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ऑब्वियसली कोई पूछा सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज क्या है तो आप डेफिनेटली बताएंगे कि माइनस ही है. देन कोई पूछा ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज क्या है तो आप बताएंगे कि प्लस ही है, क्योंकि E 1.6 × 10⁻¹⁹ है. माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है. प्लस क्यों? क्योंकि इधर प्रोटॉन ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है. मैंने जोर से रब किया तो अजीम तरह पांच इलेक्ट्रॉन चला गया, तो मैं बोलूंगा फाइव माइनस फाइव ही है, तो ऑब्वियसली इधर प्लस फाइव ही है. बराबर है ना बच्चा? तो और जोर से रब किया, हो सकता है दस इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इधर बोलूंगा प्लस टेन ही, इधर बोलूंगा सॉरी इधर माइनस टेन ही, इधर प्लस टेन ही. राइट, सपोज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया एन, तो इधर बोलूंगा माइनस टेन ई सॉरी माइनस एन ई, इधर बोलूंगा प्लस एन ई. बच्चा समझ में आ रहा है? तो मतलब चार्ज हमेशा यही फॉर्म में होता है, मतलब माइनस एन ई या प्लस एन ई का फॉर्म में होता है, जिधर एन का वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसा हो सकता है. बराबर है? यस सर. यस सर. राइट, तो यही जो है ना बच्चा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है. मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये बोलता है इधर से इलेक्ट्रॉन गया तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा. मतलब चार्ज ई हो सकता है, टू ई हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर ई हो सकता है, ई बाई टू हो सकता है क्या बच्चा? ई बाई टू का मतलब क्या है? आधा इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड पे है, आधा इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में है, ये कभी नहीं होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंप्लीटली जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा. यही क्वांटाइजेशन है. बच्चे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब इलेक्ट्रॉन yes, जाएगा तो कंप्लीटली जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा. दो ही ऑप्शन है उसके पास. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन दो स्प्लिट होगा, आधा ग्लास रॉड में रह जाएगा और आधा सिल्क क्लॉथ में रह जाएगा. राइट, मतलब इट इज लाइक यू नो अभी समझ लो कि क्लासरूम में लेक्चर हो रहा है. अभी कोई मेरे को आके पूछा क्लासरूम का स्ट्रेंथ कितना है, बच्चा मैं क्या बताऊंगा? 2 बताऊंगा, 4 बताऊंगा, 10 बताऊंगा. मैं बताऊंगा कि 10.5 है. ऐसा हो सकता है क्या बच्चा? स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासरूम 10.5 हो सकता है क्या? नो सर. हां मतलब एक तो बंदा आ गया है, नहीं तो नहीं आएगा. दो ही पॉसिबिलिटी है ना. तो मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज ई हो सकता है, टू ई हो सकता है, थ्री ई हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है. जैसे स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासरूम 1, 2, 3 हो सकता है, वैसे ही चार्ज का भी वैल्यू E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3 हो सकता है. वो अलग बात है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लिखना पड़ेगा, प्रोटॉन है तो प्लस लिखना पड़ेगा. आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो क्वांटाइजेशन यही बोलता है जब भी चार्ज जाएगा तो कंप्लीटली जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंप्लीटली जाएगा. तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ए है द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज. ऑब्वियसली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज क्या होता है बच्चा? ई होता है, क्योंकि ई एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है, मिनिमम चार्ज यही है. तो मैं क्यू को ले लिया टोटल चार्ज, तो ये प्लस और माइनस एन ई हो सकता है. तो इधर क्यू क्या है? चार्ज ऑन द बॉडी है. ई क्या है? बेसिक चार्ज का वैल्यू है. एन जो है
obviously where n is integer, where n is an integer. तो ऑब्वियसली इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी ले सकते हैं. इसके लिए मैंने इधर टर्म इंटीग्रल यूज किया है, राइट. सो चार्ज हमेशा यही फॉर्म में होता है, प्लस और माइनस एनी का फॉर्म. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. बच्चा हमारे पास एक कॉइन है, वी हैव गॉट अ कॉइन. सो ऑब्वियसली इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन है, मतलब एन इलेक्ट्रॉन्स है तो एन प्रोटॉन है. तो आपको पता है इधर चार्ज क्या होगा बच्चा, जीरो होगा. कैपिटल क्यू जो है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है. बच्चा समझ में आया? यस सर. यस सर. तो अभी मैंने क्या किया बच्चा, इसमें से पांच इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है, फाइव इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑब्वियसली दिस इज कॉइन. सो अभी क्या होगा बच्चा, ऑब्वियसली चार्ज जीरो तो नहीं होगा क्योंकि उसने पांच इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया. तो मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइव है, आई मीन एन है. तो डोंट यू थिंक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पांच निकल गए तो एन माइनस फाइव होगा, बराबर है ना बच्चा? यस सर. यस सर. मतलब फाइव इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल दिया तो पांच इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, तो टोटल इधर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, एन माइनस फाइव होगा. आई होप यू गेटिंग. यस सर. यस सर. अभी हम लोग को कोई बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इधर ऑब्वियसली एक्सेस है क्योंकि इधर एन ई इज इक्वल टू एन पी था, तो इसके लिए न्यूट्रल था. इधर एन पी जो है ऑब्वियसली एन ई से ज्यादा है, तो इसके लिए इसके ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, राइट. अभी कोई बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे. तो इधर कौन ज्यादा है, ऑब्वियसली प्रोटॉन ज्यादा है, राइट. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो ज्यादा है, एक्सेस है, तो कितना होगा बच्चा, या n का वैल्यू कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एक्सेस है, दैट इज n माइनस ऑफ n माइनस 5. आई होप यू गेटिंग. डोंट यू थिंक n n कैंसिल होकर आपको 5 मिलेगा, मतलब इधर पांच प्रोटॉन एक्सेस है बच्चा, बराबर है? यस सर. मतलब कॉमन सेंस है ना, सिंपल वर्ड्स में मैंने पांच इलेक्ट्रॉन निकाला तो उधर पांच प्रोटॉन क्या होगा, बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन में, राइट. यस यस सर. फाइव ई प्लस विल बी एक्सेस, विल बी एक्सेस. तो समझ में भी आता है आपको, क्योंकि आपको n माइनस फाइव किया तो आपको फाइव मिलता है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो मतलब अब ये जो चार्ज को ऊपर, ये जो कॉइन को ऊपर किसका चार्ज आएगा बच्चा, पांच प्रोटॉन की वजह से चार्ज आएगा. तो q इज इक्वल टू, Obviously, मैं प्लस लिखूंगा क्योंकि प्रोटॉन का वजह से चार्ज है, एन ई है, तो प्लस एन का बदले में हम लोग फाइव लिखेंगे. ई का वैल्यू हमको पता है क्योंकि बेसिक चार्ज का वैल्यू क्या होता है बच्चा, ई का 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, राइट. सो क्यू विल बी इक्वल टू 5 × 1.6, कितना होता है बच्चा 5 × 1.6, जल्दी बताओ 5 × 1.6. एट होता है ना बच्चा, पक्का है ना, 8 × 10⁻¹⁹ कूलम. तो मतलब ये होगा ये कॉइन को ऊपर चार्ज. बच्चा मेथड समझ में आया आपको बच्चा, डिड यू गेट द मेथड? यस सर. यस सर. ओके. सो मतलब मैंने पांच इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसमें पांच प्रोटॉन एक्सेस हुआ, तो पांच प्रोटॉन का चार्ज प्लस एनी, एन का बदले में फाइव लो तो ये कॉइन के ऊपर चार्ज ये होगा 8 × 10⁻¹⁹ कूलम. ये कंप्लीट कर लो बच्चा, टेक इट डाउन.
अच्छा फिनिश्ड यस सर यस सर यस सर तो बच्चा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आप बताना मेरे को सॉल्व कैसा करना है सो ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व करेंगे बच्चा ध्यान दो एक कॉइन है कॉइन लो या कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो चलो एक बॉल है मेटल बॉल है सो हम लोग ने मेटल बॉल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने का बाद ऑब्वियसली जितना इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उतना ही प्रोटॉन उधर बच जाता है जैसे इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो इधर 5 प्रोटॉन्स एक्सेस हुआ राइट तो अभी जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो उसमें जो चार्ज है कॉइन में 1 कूलम आता है तो क्वेश्चन ये है आपने कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाला होगा ताकि वो मेटल बॉल को ऊपर चार्ज कितना आएगा 1 कूलम राइट लाइक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए मेटल बॉल टू हैव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑफकोर्स आप चाहे तो प्लस 1 कूलम लिखो क्योंकि चार्ज ऑन मेटल बॉल क्या है प्रोटॉन का वजह से रहेगा बच्चा क्वेश्चन समझा आपको कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना पड़ेगा ताकि मेटल में चार्ज कितना होना चाहिए बच्चा 1 कूलम आना चाहिए राइट यस तो यस सर कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे बच्चा हम लोग ने मान लो कि 5 n इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाला है तो ऑब्वियसली इधर n प्रोटॉन रहेगा राइट एक्सेस रहेगा मतलब आपने n इलेक्ट्रॉन्स निकाला है तो उधर n प्रोटॉन्स एक्सेस रहेगा इतना समझ में आया यस सर आपने 5 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 5 प्रोटॉन एक्सेस होगा n इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो n प्रोटॉन्स एक्सेस होगा तो अभी इसके ऊपर चार्ज 1 कूलम है तो ऑब्वियसली आई कैन राइट q इज इक्वल टू प्लस ne q इज इक्वल टू प्लस ne तो q के बदले में आप क्या लिखेंगे इसके ऊपर चार्ज क्या है बच्चा चार्ज ऑन एनी बॉडी 1 कूलम है तो 1 लिखेंगे आई होप यू गेटिंग राइट यस सर प्लस यस सर तो आप ये प्लस लिखो 1 कूलम इट्स आल्सो ओके एन आपको फाइंड आउट करना है सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई बच्चा 1.6 × 10⁻¹⁹ तो डोंट थिंक इसको मैंने वो साइड में लिया तो आपको एन का वैल्यू मिलेगा एन क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द यू नो मेटल बॉल है बट आपको पता है जितना प्रोटॉन्स इधर है उतना ही आपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाला होगा तो एन इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर इन द मेटल बॉल आई होप यू गेटिंग यस सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड भी है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल इन द मेटल बॉल है वो भी है राइट सो इन शॉर्ट आपको मिलेगा 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹ इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड भी मिलेगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल इन द मेटल बॉल भी मिलेगा बच्चा इधर तक समझा सबको एनी कंफ्यूजन नो सर सो हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है देखा टाइप्स देखा देन हम लोग ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का बारे में डिस्कस किया देन उसका प्रॉपर्टीज का बारे में आज पढ़ा आई होप इधर तक सबको समझ में आया राइट यस सर फाइन तो आपको एकदम अच्छे से रिवाइज करना है एंड इसका ऊपर जो 5 या 10 MCQs में